आज से कुछ महीने पहले, लगभग 4 महीने पहले हमने स्टार्ट की थी माइनक्राफ्ट हार्डकोर की एक सीरीज, लेकिन उसके एपिसोड नहीं आ रहे बिकॉज मैंने अपना गेम रीसेट किया और रीसेट करने के साथ ही अपने रिसोर्सेज के साथ मेरा वर्ल्ड भी डिलीट हो गया। 2 वर्ल्ड का बैकअप रह गया और वो वर्ल्ड डिलीट हो गया, तो अब अपना हार्डकोर वर्ल्ड नहीं है अपने पास। एंड नाउ माइनक्राफ्ट 1.21 में हार्डकोर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ऐड हो चुका है, तो अब हमें कोई भी मोड पैक लगाने की जरूरत नहीं है एंड हम स्टार्ट करेंगे माइनक्राफ्ट की न्यू सीरीज जो होगी माइनक्राफ्ट हार्डकोर 2.0। यस, ये होगी अपनी न्यू सीरीज एंड इसमें हम काफ़ी ज़्यादा फन करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे बिल्ड भी बनाएंगे, अच्छे नहीं सारे बिल्ड ही हम अच्छे बनाएंगे। सो आज तो मैं तुम्हें एक स्टार्टअप दिखा दूंगा कि हम कहाँ से और कैसे शुरुआत करेंगे। उसमें तो हमने काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन इसमें हो या ना हो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ओपी करेंगे इसके। सो सब्सक्राइब कर लो एंड एक लाइक भी कर देना एंड कमेंट में बताना कि तुम्हें कितना दुख हो रहा है वो सीरीज जाने का जो पहले स्टार्ट की थी हमने, इसके बारे में बता देना। सो अब हम चलते हैं अपने ओपी से वर्ल्ड में। नाउ सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं अपने वर्ल्ड का। सो हार्डकोर माइनक्राफ्ट नहीं रखें, हार्डकोर 2.0 एंड नीचे ऑप्शन आ रहा अपना हार्डकोर का, सो इसे भी इनेबल कर देते हैं एंड नाउ अपना वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है हार्डकोर में। सो स्वागत है तुम्हारा माइनक्राफ्ट हार्डकोर 2.0 में एंड हम यहाँ करेंगे मस्ती क्योंकि पीछे विलेज मिल चुका है। इट्स टाइम टू इंजॉयिंग क्योंकि विलेज मिलना बहुत मुश्किल है, इसकी तलाश हर किसी को रहती है, बहुत ढूंढना पड़ता है और हार्डकोर में इट्स बेटर फॉर मी, बेटर तो रहेगा ही क्योंकि यहाँ पे मेरे को इजीली फूड मिल सकता है एंड फूड के साथ यहाँ पे मेरे को बेड मिल जाएगा, तो मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी मेरे को बिस्तर के लिए। ये देखो यहीं पे है बिस्तर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लो, कोई मतलब भी नहीं है इसका, तो मैं कहीं भी सोऊं मरा तो वर्ल्ड खत्म। आयरन गोलम भी है यहाँ पे और इनके हाउस में क्या मिलेगा मेरे को, चेस्ट वगैरह मिल सकती है, एक नल्ला यहाँ पे भी है, ये रहा गोलम। सामने मेरे को फूड भी दिख रहा है जो कि है हे बेल्स, इनसे मैं इजिली ब्रेड क्राफ्ट कर लूंगा बहुत सारी और मेरी खाने की शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी क्योंकि हार्डकोर में फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से हे बेल निकाल लेता हूँ, ये तो मिली काम की, एक भी चेस्ट तो मिली नहीं यहाँ पे, चेस्ट नहीं मिली, हे बेल कलेक्ट कर ली। और एक ये तबेला है, इसके अंदर भी हे बेल है, ये फ्यूचर में काम आ जाएगी, अभी तो अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, मैं ब्रेक डाउन करके चला जाऊंगा अंदर तो। एंड नाउ यहाँ पे देखो पिग वगैरह घूम रहे हैं और भी दिखेगा यहाँ पे, ये 2 हाउस और भी, यहाँ पे एक ये है, ये वाला घर है जहाँ पे थोड़ी सी वीट उगी हुई है और एक इस नल्ले का घर है और इस वाले में कुछ मिलेगा, इसमें भी कुछ नहीं है, एक भी चेस्ट नहीं है इस वर्ल्ड में नहीं, इस विलेज में। एंड थोड़ी सी एबल ये रही, हे बेल तो कलेक्ट कर ली लेकिन जो काम करना था वो तो किया ही नहीं, वुड कलेक्ट करना, इनफ वुड कलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं बना लेता हूँ इसके प्लैंक्स जो होंगे इतने और इनसे बना लेता हूँ मैं क्राफ्टिंग टेबल एंड लगभग 4 स्टिक्स बनती है, सो मैं 8 बना लूंगा ताकि सारे टूल्स मेरे इजिली बन जाए। एंड ये हो गई अपनी स्टिक्स भी, ओके। एंड अब अपनी ये रही क्राफ्टिंग टेबल, अब इससे बना लेता हूँ मैं पिकैक्स ही बनाऊंगा क्योंकि पिकैक्स ही जरूरी है अभी तो। एंड हेबेल से बना लेता हूँ अपने बहुत सारे ब्रेड, ये हो गए अपने हेबेल से वीट और ये हो गए अपनी ब्रेड 64 और बाकी की ये 26 या इनफ फूड का जुगाड़ हो चुका है। और अब मैं करूंगा स्टोन का जुगाड़ क्योंकि स्टोन के टूल बनाने हैं मेरे को बिकॉज ये थोड़े पावरफुल रहेंगे, इससे स्टोन के टूल पे स्विच करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कोल भी दिखा है मेरे को और केव्स वगैरह ढूंढ के थोड़ा बहुत आयरन भी कलेक्ट कर ही लूंगा मैं। स्टोन के टूल्स रेडी हैं और यहाँ पे देखो मीटिंग हो रही है, क्या चल रहा है इनके बीच पता नहीं, ये सारे नल्ले हैं, मैं इनको जॉब दे देता हूँ, मैं इनको एक फ्लेक्चर बना देता हूँ जिसके लिए मेरे को थोड़ी सी वुड और एक फ्लिंट चाहिए, 2 फ्लिंट चाहिए बस। सामने यहाँ पे मेरे को कोल भी दिखा था, सो ये कोल भी निकाल लेता हूँ मैं। सामने केव है विलेज के पास, इतनी बड़ी केव और मेरे को दिखी नहीं अभी तक, पर अब दिख गई तो इसमें से रिसोर्सेज निकाल लूंगा मैं इजीली। मेरे को सामने आयरन भी दिख रहा है और देखो सामने भी आयरन है, 2 आयरन यहाँ पे दिख रहे हैं और साइड में भी आयरन है, यस। सो यहाँ पे आयरन है और ज़ॉम्बीज भी है, सो फर्स्ट आयरन तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, 2 है, ज़ॉम्बीज से बच के रहना पड़ेगा, विलेजर को मार रहा है ये, देखो इसको दिख रहा हूँ लेकिन आ नहीं पाएगा ये, बट थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे, बच के रहेंगे।
आयरन निकाल लिया है और नाइट होने वाली है, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि रिस्क नहीं लूँगा मैं कोई भी नाइट में घूमने फिरने का। मेरे पास ना तो कोई आर्बर है ना कोई प्रोटेक्शन, तो घूम कर कुछ फायदा भी नहीं है। ऊपर जाके सोऊंगा, कुछ नहीं है क्या तेरे पास, उठ मैं सोऊंगा। वेल सुबह हो चुकी है, फर्स्ट डे सर्वाइव कर लिया हमने बड़ी इजीली अपने माइनक्राफ्ट हार्डकोर में, एंड नाउ मैं एक्सप्लोर करूंगा पूरे वर्ल्ड को। देखो आयरन आ चुका है ठीक ठाक अमाउंट में, इतना तो इनफ होता है। एंड यहाँ का आयरन गोलम अभी नहीं मारूंगा मैं क्योंकि उसकी जरूरत है मेरे को, एंड अब मैं थोड़े से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम इधर, पता नहीं कुछ भी मिल सकता है, कुछ अच्छा मिल जाएगा तो और अच्छा रहेगा मेरे लिए, शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। और इतनी थी बड़ी रिवेंस है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आ रही है इतनी थी बड़ी केव्स बहुत सारी है आसपास, तो इजीली ऊपर ही मेरे को बहुत सारा आयरन मिल सकता है और मैं अपना बना सकता हूँ आयरन का आर्मर। एंड ये रही अपनी चिकन, किसी को भी नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे पास अभी इनफ फूड है। एंड सामने देखो प्लेन्स ही प्लेन्स है, यहाँ पे थोड़े से पहाड़ भी आ गए हैं और प्लस में प्लेन्स के साथ अटैच अपनी स्नोई वाली बायोम, ये बायोम यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी मेरे आसपास क्योंकि यहाँ से मैं अच्छी रिसोर्सेज निकाल सकता हूँ और कुछ भी जो भी चाहिए मेरे को अपनी आइस वाले प्रोजेक्ट के लिए, सो वो यहाँ से हो जाएंगे इजीली। एंड यहाँ पे मेरे को स्प्रूस के ट्रीज भी मिल जाएंगे, सो टू टाइप्स की वुड तो हो जाएगी अपने पास, थ्री हो जाएंगी। नाउ मैं फिर से आ चुका हूँ अपने विलेज में, इसको नहीं छोड़ना क्योंकि ये एक स्टे करने का काफ़ी अच्छी अच्छी नहीं बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे मैं सेफ रहूँगा अभी तो। एंड फर्स्ट डैमेज ले लिया मैंने, एंड कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला था, मैं भूल जाता हूँ, करना कुछ नहीं था मेरे को, दो आयरन और निकालने थे यहाँ पे मेरे को दिख रहे थे। ये देखो यहाँ पे जोम्बी का रोटन फ्लैश पड़ा है, मर चुका है जोम्बी, एंड यहाँ पे और कुछ नहीं है। चलो मैं सेफ हूँ एंड यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ ये दोनों आयरन क्योंकि कोई भी मॉब हो सकता है आसपास। इनफ ग्रेवल भी है मेरे पास, सो ग्रेवल से मैं बना लेता हूँ एक फ्लेचिंग टेबल। मैंने कहा था ये मैं जॉब दूंगा इसको, तो फ्लेचिंग टेबल बना ही लेता हूँ मैं। एंड यस, सो ये ले लो जॉब, जिसको लेनी है वो लो, मैं नहीं रोक रहा। एंड पीछे ज़ॉम्बी हमला करेगा इन पे, मैं नहीं करने दूंगा, चल निकल। फर्स्ट किल, पहला मॉब जिसको मैंने मारा वो था एक ज़ॉम्बी, चला गया। एंड ये रहा अपना बहादुर जो देगा हमें अच्छे से अच्छी ट्रेड, एमरल देगा स्टिक्स के बदले, लेकिन अभी नहीं ले सकता मैं अभी गरीब हूँ। एंड नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, इसको तोड़ना नहीं है, एक फर्नेंस भी बना लेता हूँ मैं क्योंकि मेरा आयरन स्मेल्ट करूँगा और मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनाऊँगा जो मेरी सर्वाइव के लिए अच्छी रहेंगी, एमएलजी वगैरह के लिए एक बकेट, और एक बनाऊँगा मैं नॉर्मल सी सील जिससे मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ अपने आप को। फाइनल आयरन इंगट बचा है और ये भी स्मेल्ट हो जाता है, सो ये भी हो चुका है, इसका यूज़ करके मैं बना लेता हूँ अभी तो एक बकेट बनाऊँगा मैं पहले। ये क्या है, कहाँ से आ गया ये आयरन इंगट, रेसिपी बता रहा है, मैं भूल गया, रेसिपी बताते हैं। एंड सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक बकेट, वाटर बकेट, यस वाटर बकेट की ज़रूरत है मेरे को, सो एक वाटर बकेट बना लेता हूँ। एंड बना लेता हूँ कुछ टूल्स, मेरे पास इनफ आयरन होगा सो टूल्स भी बन जाएंगे आयरन के, सो टूल्स में बनाऊंगा मैं एक स्वॉर्ड और एक पिकैक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पिकैक्स क्योंकि ये बहुत ज़रूरी आइटम है, ये हो चुका है और मेरे पास वुड का, मैं सो वुड लेके आता हूँ ताकि मैं बना सकूँ एक सील्ड। फाइनली इतना प्रोटेक्शन ले लिया मैंने कि मैं अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। एंड सो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, सो तुम सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट में बताना कि तुम हार्डकोर में क्या क्या देखना पसंद करोगे, एंड एक लाइक भी कर देना। सो नाउ बाय।